कर जुनून हो सर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहां तुम्हें एहसास। साल 2022 अक्षय कुमार के लिए कुछ खास नहीं रहा है, क्योंकि 2022 में अक्षय कुमार की सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुई है और 2023 के स्टार्टिंग में ही अक्षय कुमार को लेकर उनके फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ गई है। काफी समय पहले अक्षय कुमार की गोरखा फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी। फिल्म की अनाउंसमेंट के दौरान ही अक्षय कुमार का लुक रिवील कर दिया गया था, पर अब फिल्म को लेकर कुछ बुरी खबरें सामने आ रही है। वैसे तो गोरखा फिल्म की अनाउंसमेंट 2021 में कर दी गई थी, पर अभी तक फिल्म की शूटिंग स्टार्ट नहीं की गई है। पहले तो ये डिसाइड हुआ था कि 2023 में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर दी जाएगी, पर 2023 के स्टार्टिंग में ही फिल्म को लेकर एक बुरी खबर सामने आ गई है। अब सुनने को मिल रहा है कि गोरखा फिल्म में हमें अक्षय कुमार देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि फिल्म की कहानी को लेकर अक्षय कुमार और फिल्म मेकर्स के बीच कुछ खींचातानी चल रही थी। आपको बता दें कि इस फिल्म में हमें गोरखा रेजिमेंट के मेजर जनरल यान कार्डोजा के जीवन के बारे में बताया जाना था, पर अक्षय कुमार को कहीं से खबर मिली कि फिल्म में मेजर जनरल यान कार्डोजा की लाइफ में जो कुछ हुआ था वो थोड़ा चेंज करके दिखाया जाएगा। इसलिए अक्षय कुमार ने इस फिल्म से अपने हाथ खींच लिए, क्योंकि अक्षय कुमार चाहते हैं कि वो इस फिल्म की वजह से दोबारा से किसी कंट्रोवर्सीज में ना फंस जाए। इन सब बातों के बीच हमें नहीं लगता कि फिल्म की शूटिंग जल्दी स्टार्ट हो पाएगी, क्योंकि अभी तो फिल्म का मेन हीरो डिसाइड ही नहीं किया गया। पहले फिल्म के मेन हीरो को डिसाइड किया जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की जाए। हो सकता है कि यह फिल्म हमें 2024 तक देखने को मिल जाए। आपको बता दें कि इस फिल्म को बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर संजय पूरन सिंह चौहान के डायरेक्शन में बनाया जाएगा। इस फिल्म को लेकर लोगों में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट भी बनी हुई है, क्योंकि ये एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड होने वाली है। इस फिल्म में हमें हमारे देश के रियल हीरो, हमारी इंडियन आर्मी के एक जवान के बारे में बताया जाएगा, इसीलिए लोगों के बीच इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बनी हुई है। हो सकता था कि अगर इस फिल्म को अक्षय कुमार ही करते तो इस फिल्म को लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल पाता, पर अब अगर इस फिल्म को बॉलीवुड के किसी दूसरे एक्टर से करवाया जाता है तो मेकर्स को ध्यान रखना होगा कि वो एक्टर थोड़ा अच्छा एक्टर हो, जो इस रोल में बिल्कुल फिट हो, और अगर ऐसा होता है तभी हो सकता है कि बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी कुछ कमाल कर पाए। बाकी दोस्तों इसी के साथ वीडियो खत्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।